दरभंगा में पिछले 6 दिन से हो रहे मॉनसून की बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी से अचानक जिले की सभी नदियों में उफान आ गया है। नदी में पानी का दबाव बढ़ने की वजह से अचानक कई जगहों पर कमला बलान पर बने बांध टूट गए हैं। दर्जनों गांव की हालत नाजुक बनी हुई है, जिससे तारडीह, गौड़ा बोराम और घनश्यामपुर प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। देर रात तटबंध टूट जाने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वहीं वरीय अपर समाहर्ता उमाकांत पांडे का कहना है कि एनडीआरएफ की टीम लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है। पीएचसी के डॉक्टरों की टीम को राहत कार्य में लगाया गया है। प्राइमरी हेल्थ की सुविधाओं के लिए पर्याप्त दवाओं की भी व्यवस्था की गई है। हमारी एनडीआरएफ की टीम भी एक आ गई है, वो भी अपना रेस्क्यू कर रही है लोगों के बचाव के लिए। जहां जहां पर महिलाएं या बच्चे या जो भी बहुत ही दुर्दांत एरिया में फंसे हुए हैं, वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग पीएचसी के डॉक्टर वगैरह को भी लगाए हुए हैं, लोगों को प्राइमरी हेल्थ की जो भी सुविधा है उसको देने के लिए हम लोग दवा वगैरह की भी पर्याप्त व्यवस्था करा लिए हैं। और इस तरह से हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि जो भी है फूड पैकेजिंग वगैरह का भी आ रहा है जिला से, उसको भी वितरण कराया जाएगा। उसके लिए फिलहाल अभी हम लोगों को भी कुछ जगह पर परेशानी हो रही है, जो कम्युनिकेशन भंग हो गए हैं, तो लोकेट किया जा रहा है कि किस रास्ते से हम लोग वहां तक पहुंचे जहां पर लोग एकत्रित हुए हैं। सर, लोगों की शिकायत है कि अब तक नाव मुहैया नहीं किया गया। एक्चुअली ये फ्लड इफेक्टेड एरिया नहीं था, तो इसलिए लोकल स्तर पर नाव वगैरह की उतनी व्यवस्था नहीं कर पाई थी, लेकिन हम लोग अब नाव दूसरे जगह से हम लोग मंगा रहे हैं और उसको भी हम लोग तुरंत ही एक्टिव कर देंगे। लेकिन वही स्थानीय लोगों का आरोप है कि अभी तक जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की सुध नहीं ली है। लोग अपनी जानमाल को बचाने में जुट गए, लेकिन बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब तक जिला प्रशासन की तरफ से एक भी नाव नहीं दिया गया। 12 बजे रात में तटबंध टूटी, हम लोग को सुबह में सूचना हुआ, ग्रामीण लोग तो दूर में टूटा है, लेकिन उसके बाद एक बाइक जो है पूरा पानी भर गया और जिला प्रशासन भी आए हुए थे और सीओ साहब एक बार आकर के देख कर गए हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। जबकि बगल वाले गांव, हमारे गांव से इस बगल में जो गांव है उसके खिड़की से पानी बह रहा है, वहां अगर किसी प्रकार का भी डॉक्टर का जरूरी हो जाएगा तो कोई कहीं निकल नहीं सकते हैं। नहीं नाव का व्यवस्था है, नहीं एनडीआरएफ की टीम है, नहीं किसी प्रकार का, नहीं चिकित्सक कोई अभी तक जो है कहीं व्यवस्था किया गया है। अगर किसी को जरूरी होता है तो कोई आने जाने का रास्ता सब अवरुद्ध हो चुका है। आप देख रहे हैं सामने, आपकी सामने की बात है। हम लोग से ज्यादा विकट परिस्थिति बगल में अमताही है, उजान है, गंगोली है, ये शारदापुर, ये सब है, वो सबको तो कहीं निकलने वाला ही नहीं है। और अभी इधर भी पूरा रोड जो है अवरुद्ध हो चुका है, इधर भी कहीं रोड अब चलने लायक नहीं है, सब रोड अवरुद्ध हो चुका है। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, अभी तो कोई देखने के लिए नहीं आया है यहाँ पर, जो कहाँ कौन मर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। आप लोग अपने हाल पे हैं? जी, हम लोग अपना कुछ युवा हैं, सब जगह अपना घूम घूम करके जहाँ जो होता है सो अपने आप मदद कर रहे हैं, सब एक दूसरे को देख रेख हो रहा है बस। मई खेत खलिहान डूबने से धान, मक्का, अरहर, मूंग, तिल, केला, मौसमी समेत सब्जियों की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का पानी और बढ़ने की आशंका से निचले इलाके से लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। माल जाल की सब मतलब क्षति हो रहा है, ठीक है, खाने पीने का सब असुविधा हो रहा है, सबके घर में पानी घुस गया है, वो तो आप देख ही रहे हैं यहाँ का नजारा। तो अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से प्रशासन आए थे, चले गए, प्रशासन आए थे यहाँ से, लेकिन देख के गए हैं सीओ साहब, उसके बाद और कोई व्यवस्था नहीं किया गया है ज्यादा, मतलब 7 बजे आए थे, इसके बाद से तो कोई नहीं। क्या आप लोग को पन्नी उन्नी मिला है रात के लिए? कुछ नहीं मिला। क्या बता रहे थे वो? कुछ भी नहीं बचा रहे थे। आप लोग ऊंचे स्तर पर जाके, लेकिन कहाँ जाए, हर जगह तो पानी ही पानी है। वो इतना बता रहे थे कि ऊपर कहीं ऊंचे स्थल पे जाकर आप लोग सुविधा कुछ नहीं मिली, सुविधा कुछ नहीं मिली। लोग कर सकते अभी, हम कुछ बहुत ऐसा है, बहुत घर में चूल्हा भी नहीं चढ़ा है, अभी तक भूखे हैं आदमी। बाढ़ के तांडव को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से इस क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी स्कूलों को आदेश दिया गया है कि प्रखंड के बीडीओ सीओ से संपर्क कर बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षा सहयोग प्रदान करें। वहीं अलीनगर, कीरतपुर, घनश्यामपुर, गौरा बोराम, मनीगाछी, बिरैल, तारडी, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और पश्चिम प्रखंड को अलर्ट किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए दरभंगा से सुनील भारती की रिपोर्ट।